कभी कभी तस्वीरों में हमें उसके पीछे छिपा हुआ संघर्ष नहीं दिखता। अब जरा इन तस्वीरों को ही देखिए। साइकिल चलाती इस लड़की को देख शायद ही उसके जिंदगी में चल रहे संघर्ष और मुश्किलों का पता चले। लेकिन उसका संघर्ष उन लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है जो छोटी सी दिक्कतों के सामने हार मान जाते हैं। ये कहानी है 22 साल की क्रांति पटेल की, जिसकी आंखों में कॉलेज में लेक्चरर बनने के सपने हैं, लेकिन कंधों पे पूरे परिवार का बोझ। मध्य प्रदेश के सागर जिला के मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर ढाना में रहने वाली क्रांति पटेल पिछले 6 महीनों से प्रेस पैकिंग का काम कर रही है। वह हर महीने कम से कम 10,000 रुपए कमा लेती है। ये क्या नाम है आपका और यहाँ ये सिलाई सीखने के बाद क्या बदलाव हुए? मेरा नाम क्रांति पटेल है, मैं ढाना गांव में रहने वाली हूँ। मैं वहाँ से अप डाउन करती हूँ, रोज़ यहाँ सिलाई करने आती हूँ। पहले मेरी घर की स्थिति ठीक नहीं थी। स्व सहायता समूह एक ग्रुप है जिसमें मैं अभी जुड़ी हुई हूँ, जिसके माध्यम से मुझे पता चला था कि यहाँ पे सिलाई का कार्य हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ आई, देखा कि हम महिलाओं के लिए यहाँ बहुत सुविधाएँ दी जा रही हैं। मैं आई, मैंने यहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग ली, उसके बाद मुझे यहाँ 6 महीने कम्प्लीट हो गए हैं। पहले यहाँ थोड़ी कम सैलरी मिलती थी, लेकिन अब मुझे हर महीने 8 से 10 हज़ार मिल जाता है, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। मैं अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर पाई हूँ इसके ज़रिए। फ़िलहाल मैंने अभी एमए कंप्लीट की है और अब मैं नेट की तैयारी करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले मैं ये कोचिंग अप्रूव नहीं कर पा रही थी, लेकिन यहाँ कार्य करने के बाद मैं अब कोचिंग अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ से हेल्प मिल रही है। अब मैं अपना काम अच्छे से कर पा रही हूँ। मैं डेली अप डाउन करती हूँ ढाना से सागर, और स्टैंड से मैं यहाँ तक साइकिल से आती हूँ। डेली का मेरा आना जाना होता है। आर्थिक दिक्कतों के चलते क्रांति की पढ़ाई में रुकावट आ रही थी। क्रांति ने कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, जैसे तैसे उसने 2 साल तक की पढ़ाई भी कर ली, लेकिन इसके बाद उसका कॉलेज तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। ऐसे में प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान की एक योजना से इस बेटी के साथ साथ परिवार की भी तस्वीर बदली जा रही है। शिवराज सरकार की स्वरोजगार और उद्यम क्रांति जैसी योजनाओं की वजह से ही उसे काम नसीब हुआ है। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मेरी बहन है, साथ ही मेरी भाभी भी रहती है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर ही है, तभी मुझे यहाँ आना पड़ रहा है कार्य के लिए। यहाँ से काम करने के बाद मैं घर जाती हूँ, घर पे भी हेल्प करती हूँ। यहाँ कार्य करने के बाद मुझे घर पे हेल्प करने का मौका मिला है। मैं घर में भी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद मैं घर पे भी हेल्प करती हूँ, मम्मी की हेल्प करती हूँ। सरकार की इस तरह की योजनाएँ हैं तो क्या कहेंगी आप? सरकार की योजनाएं महिलाओं के जो हित में हैं वो बहुत ही अच्छी है। मैं चाहूँगी कि मेरी तरह यहाँ और भी लोग आएँ, कार्य करें। ये बहुत ही अच्छा है, कोई फ्रॉड काम नहीं है। सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी फील्ड दी जा रही है महिलाओं के लिए, जिससे वो आगे बढ़ सकती हैं, अपने सपने पूरे कर सकती हैं और जो कुछ चाहें वो पूरा कर सकती हैं यहाँ पे आके। पिता दिव्यांग और माँ गृहिणी, 2 बड़े भाई हैं लेकिन वे अलग रहते हैं। ऐसे में माता पिता के अलावा छोटी बहन और एक भाभी का आधार वही है। अब इस कमाई से न केवल वह घर का खर्चा चलाने में हाथ बटा रही है, बल्कि खुद की पढ़ाई के खर्चे का इंतजाम भी उसने कर लिया है। कंपटीशन की तैयारी भी शुरू कर दी है। वही इस सब खर्चे से जो कुछ भी बचता है वह अपने परिवार के घर खर्च में भी सहयोग करती है। क्रांति पटेल का कहना है कि सरकार की इस तरह की योजनाओं से महिलाओं के लिए आत्मबल मिल रहा है, वे आत्मनिर्भर हो रही है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है।